हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आप देखिए, ये जो टीवी है, मॉनिटर टेप का अंदर देखिए एक लोकल किट यूज़ है, और ये चैसिस का एक फॉल्ट है कि टीवी ऑन नहीं हो रहा है मेरा पास जब आया, और यह चेक करने के बाद देखा जाता है कि इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। और आउटपुट ट्रांजिस्टर न्यू लगाने के बाद देखिए, सप्लाई दे के आपको देखा था इसका फॉल्ट क्या है। देखिए, मैं सप्लाई दे दिया और इसका जो 200 वाट सीरीज बल्ब देखिए, ये अप डाउन प्रॉब्लम देखा जाता है। और जब ये अप डाउन प्रॉब्लम होगा, टीवी ऑन नहीं होगा, और डायरेक्ट लाइन इनपुट करने के बाद और नेक्स्ट टाइम आउटपुट ट्रांजिस्टर भी फॉल्ट हो सकता है, पावर सेक्शन का भी फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए, सप्लाई को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। सप्लाई ऑफ करने के बाद आपको जो देखना पड़ेगा कि इसका अंदर जो वोल्टेज कुछ चेक करके आपको देखना पड़ेगा कि इसका फॉल्ट कौन पोजीशन से हो रहा है। तो इसीलिए आपको देखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप इसका पार्स कौन सा पार्स फॉल्ट है, सब कुछ आपको देखाऊंगा। तो फर्स्ट, ये जो योक कॉयल है, योक कॉयल का वायर आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद सिर्फ ये जो वायर मैं कनेक्शन किया, वर्टिकल वायर कनेक्शन है, और ये देखिए जो हॉरिजेंटल का रेड वायर, ये ओपन कर दिया सेफ, ठीक है। और आपको बाहर रखना पड़ेगा, उसका बाद आपको सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम आउट हो जाता है कि नहीं। दोस्तों देखिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ये जो सीरीज बल्ब, ये अप डाउन प्रॉब्लम ही है, क्योंकि योक कॉइल शॉर्ट होने के बाद भी इस तरह फॉल्ट हो सकता है। इसलिए फर्स्ट आपको योक को कन्फर्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों, योक तो कन्फर्म हो गया कि इसका योक का फॉल्ट नहीं है, अलग कुछ पार्ट्स का फॉल्ट है। तो इसलिए ये जो योक कॉइल का वायर मैं कनेक्ट कर दिया। तो चलिए, इसी कंडीशन पर कुछ वोल्टेज आपको चेक करके देखाऊंगा। जब सीरीज लैंप फुल ग्लो हो जाएगा, अप डाउन प्रॉब्लम होगा, तो वोल्टेज आएगा और जाएगा, इस तरह देखा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मीटर का नेगेटिव कॉर्ड मैं पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, और मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। तो चलिए, मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, सप्लाई दे दिया, और इसी कंडीशन पर आपको कुछ वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या चेक करूँगा, जो EST सप्लाई। तो दोस्तों, ये पॉइंट से EST सप्लाई देखिए EST पिन पर जाता है। देखिए, यहाँ पर वोल्टेज 115 वोल्ट, ये ओके है, और ये फैक्चुरेट अप डाउन हो रहा है, क्योंकि सीरीज लैम्प, सीरीज जो बल्ब होता है, वो अप डाउन हो रहा है इसी का वजह है। और उसका बाद जो ड्राइवर और वर्टिकल सप्लाई, ये भी वोल्टेज ओके है, लेकिन ये भी अप डाउन हो रहा है। तो उसका बाद जो रेगुलेटर सप्लाई, ये देखिए 6 वोल्ट तक जा रहा है, 7 वोल्ट तक जा रहा है, और ये भी अप डाउन हो रहा है। और जो साउंड सप्लाई वोल्ट, ये देखिए 13 वोल्ट तक जा रहा है, और ये भी अप डाउन हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों चलिए, मैं सप्लाई को अप कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद किसी तरह ये प्रॉब्लम को किस तरह चेक करना पड़ेगा कि कौन सेक्शन का फॉल्ट है। तो दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर आपको फर्स्ट बात है, आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये मैं फर्स्ट टाइम चेंज किया, चेंज करने के बाद ये फॉल्ट मिला। तो दोस्तों, ये बूस्ट PF जो होता है, ये भी फॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। और उसका बाद तो क्या करना पड़ेगा, ये जो EST सप्लाई है, EST सप्लाई को ओपन करके आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसीलिए मैं ये जो EST सप्लाई का एक रेजिस्टेंस है, ये मैं ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने का बाद आपको पता चलेगा कि यह पावर सेक्शन का फॉल्ट है या आउटपुट सेक्शन का। और यहाँ पर जो EST सप्लाई लाइन है, यहाँ पर मैं एक डेमी लोड जो 100 वाट बल्ब में कनेक्शन किया। आप ये कैपेसिटर पॉइंट पर भी कनेक्शन कर सकते हो कि ये 160 वोल्ट का कैपेसिटर है, जो 110 वोल्ट लाइन का अंदर है। तो ये जो 100 वाट बल्ब में कनेक्शन किया, चलिए एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा। देखिए, जब मैं सप्लाई दे दिया और इसका सीरीज बल्ब ग्लो नहीं, अप डाउन नहीं हो रहा है, लेकिन 100 वाट बल्ब ये जल रहा है। अब देखिए, सीरीज बल्ब अप डाउन नहीं हो रहा है। तो वोल्टेज एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, वोल्टेज फिक्स्ड हो गया कि नहीं। देखिए, 110 वोल्ट, ये वोल्ट फिक्स्ड हो गया, तो क्या लग रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पावर सेक्शन ओके है, इसका आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है, जो EST सेक्शन होता है। तो
तो दोस्तों अलग अलग वोल्टेज भी आपको एक बार चेक करके देखा, तो आप देख लीजिए सभी वोल्ट फिक्स्ड हो गया। तो दोस्तों आउटपुट सेक्शन का अंदर आपको योक चेकिंग दिखा दिया कि योक कॉइल ओपन करने का बाद, और योक तो ओके है, और आउटपुट सेक्शन का पीएफबी फॉल्ट हो सकता है, लेकिन पीएफबी मैं चेक करके देखा, और उसके बाद जो रह जाता है कि ईएसटी। तो दोस्तों इसका ईएसटी फॉल्ट है, तो इसी का बजाय यह आउटपुट सेक्शन शॉर्ट मिला। लेकिन ये जो शॉर्ट, इसका अंदर कॉइल शॉर्ट है और ये नेगेटिव का साथ शॉर्टिंग नहीं मिला, ठीक है। तो चलिए ईएसटी चेंज करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं टाइम सेव करने के लिए ईएसटी का मैं सभी पिन ओपन किया, सिर्फ नेगेटिव पिन का भी ओपन नहीं किया। आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपका सामने ईएसटी लगा के, न्यू ईएसटी लगा के कि क्या रिजल्ट आता है। तो इसीलिए ये ईएसटी को मैं बाहर काट दिया, ठीक है। और बाहर काटने के बाद यहाँ पर मैं एक न्यू ईएसटी लगाऊंगा, लगाने के बाद आपका सामने में देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये जो ईएसटी है ये 1010A का ईएसटी है, ठीक है। और मेरा पास न्यू ईएसटी है, ईएसटी को फर्स्ट ओपन करना पड़ेगा। फाइनल एनोड कैप मैं ओपन किया, बेस बोर्ड को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेस बोर्ड को ओपन किया और G2 का जो सप्लाई पॉइंट है ये ओपन करना पड़ेगा, और उसका बाद ये फोकसिंग जो वायर होता है ये वायर को ओपन करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ ओपन में कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसी टाइम आपको न्यू ईएसटी, ये जो न्यू ईएसटी है 1010A का सेम नंबर का ईएसटी, मैं यहाँ पर कनेक्ट करके और सब कुछ कनेक्शन करके आपको सामने में दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि आपका मन में डाउट आ जाएगा कि मैं कुछ पोजीशन काट कर दिया, लेकिन मेन जो पोजीशन है यहाँ पर मैं कुछ भी काट नहीं दूंगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली देखाऊंगा आपका सामने जो क्या रिजल्ट आता है, और उसका बाद ये स्टिच चेंज करने के बाद नहीं होगा तो और कौन पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है ये भी आपको देखाऊंगा। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो लोकल पीसीबी होता है इसका अंदर ईएसटी भी अधिक फॉल्ट होता है, इस तरह प्रॉब्लम जब आएगा, ठीक है। फर्स्ट आपको योक चेक करके देखना पड़ेगा, आपको देखा योक वायर ओपन करने का बाद, जब योक वायर ओपन करने का बाद वो जो सीरीज बल्ब फिक्स्ड कंटिन्यू जलेगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि योक का फॉल्ट है, योक चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें एक बात आता है कि जो मॉनिटर का योक होता है वो योक कॉइल मार्केट पर न्यू नहीं मिलता है, पुराना योक आपको पुराना मॉनिटर से ही ओपन करके लगाना पड़ेगा। नहीं तो अब नॉर्मल सा योग, जो स्मॉल नेक का योग होगा तो स्मॉल नेक, और बिग नेक होगा तो बिग नेक का योग आप लगा सकते हो, ठीक है। तो वो एडजस्ट करने के लिए भी बहुत टफ हो जाता है, तो तब भी आप यूज़ कर सकते हो, आप अच्छा करके एडजस्ट कर पाओगे तो, ठीक है। तो चलिए ये ईएसटी को मैं पूरा ही कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो इसीलिए ये पोजिशन को आप इसके मात कीजिए, आप भी प्रैक्टिकल पूरा देखिए, मैं आपका सामने ही देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो चलिए उसका बाद ईएसटी कैप लगाने का, पहले इसका अंदर बहुत धूल जैसा ये दिखा जाता है, आपको थोड़ा साफ करके लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो धूल वहाँ पर रह जाएगा तो कुछ दिन का बाद ही ईएसटी का जो कैप होता है वहाँ से चिट चिट करके आवाज़ निकलता है, निकलेगा, इस तरह वो फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो चलिए ईएसटी तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि न्यू ईएसटी फुल करके ये अधिकतर दिखा जाता है, तो दोनों पिन को मैं थोड़ा सा डाउन करके रखा है, और ऊपर से ही आपको टाइम सेव करने के लिए ये जो 2.2 ओम्स का जो रेजिस्टेंस में ईएसटी सप्लाई ये कनेक्शन काट दिया, ठीक है। करने के बाद चलिए मैं सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और उसका साथ वोल्टेज भी आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया, सीरीज बल्ब देखिए ग्लो नहीं हो रहा, अप डाउन नहीं हो रहा है। तो चलिए वोल्टेज आपको देखाऊंगा, उसका पहले देखिए इसका फिलामेंट ऑन हो गया, और मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है, और इसका ईएसटी सप्लाई देखिए फिक्स्ड हो गया, देखिए 110-111 वोल्ट के आसपास ये फिक्स्ड हो गया। तो लग रहा है इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन दोस्तों लाइट नहीं आ रहा है, तो ईएसटी पिन को थोड़ा सा हाई करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये ब्लैक स्क्रीन का अंदर ये एक लोगो, टीवी का लोगो आ गया, तो ये लगता है एलजी लोगो यहाँ पर सेट करके रखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो
इनपुट करके भी एक बार देखना पड़ेगा। दोस्तों पीसीबी को मैं पूरा फिटिंग्स किया, सब कुछ वायर कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद देखिए इसका वीडियो बिल्कुल ओके आ गया। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और दोस्तों ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर फॉलो कीजिए।